बंगाल, बंगाल में ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जो मंच से खड़े होकर के केंद्र के बड़े नेता गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को राक्षस बुला देते। जी हाँ, ये वही ममता बनर्जी हैं जो मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री के सामने ही उनकी आलोचना करके मंच छोड़कर चली जाती। जी हाँ, ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती थी खेला हो गया, और ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती थी सोनार बांधे। जी हाँ, बंगाल तो सोना से भरा हुआ, और ये सोना से भरा हुआ है ये साबित उस वक्त हो गया जब पार्थ चटर्जी के पास से 55 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो जाता है और 200 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बरामद। सोनार बांग्ला तब साबित हो जाता है जब टीएमसी से बदल करके भाजपा में गए नेता पी बैसाखी का बयान आता है कि ये टीचर घोटाला जो है, शिक्षक भर्ती घोटाला जो है, ये 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का। ममता बनर्जी कहती है कि मुझे इस बात की जानकारी, 2019 में इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पर मामला दर्ज था। उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। आखिर ममता बनर्जी की बातों को कैसे मान लिया जाए कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? आखिर क्यों ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि पार्थ चटर्जी है? अब देखिए कि सुब्रत मंडल जो है एक बाहुबली नेता है बंगाल में टीएमसी के, उन पर भी कॉ स्मगलिंग यानी मवेशी तस्करी के मामले पर ईडी ने पूछताछ करने के लिए बुलाया है और वो भी अब जो है भागते हुए फिर रहे हैं। देखिए, लगातार ममता बनर्जी पर ईडी का शिकंजा बंगाल में कसता जा रहा है। अब ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करने पहुंची थी, बंद कमरे की इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसका तो किसी को पता नहीं। लेकिन कुणाल घोष जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता है, ममता के मुख्य प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि जीएसटी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी को जीएसटी का मुद्दा क्या इतने सालों बाद याद आया? उसी प्रधानमंत्री के पास क्यों गई जिस प्रधानमंत्री को राक्षस बताती? और अब जब इनका खेला बंगाल में अब खत्म होता दिख रहा है, अभी टीएमसी के एक नेता ने कह दिया कि ममता बनर्जी हम लोग के लिए नौजबिल्ला अल्लाह के समान है। जी हाँ, एक बड़ा बयान दे करके मुस्लिम समुदाय को भी ममता बनर्जी ने नाराज कर दिया। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का जो है अब खेला जो है बंगाल से वो खत्म होते चला जा रहा है और ममता बनर्जी को इस बात का डर काफी सताते जा रहा है। एक एक करके जो है उनके नेताओं पर ईडी शिकंजा कस रही है और नेता अगर जेल जा रहा। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और कहा है कि एक एक करके टीएमसी के सब मंत्री नेता जब अगर जेल चले जाएंगे तो राज्य कैसे चलेगा और इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना। तो ममता बनर्जी की सरकार अभी खतरे में चल रही है। ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा ईडी की कार्रवाई से डरी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बंगाल में कैसा खेला होता है, क्या होता है ममता बनर्जी के साथ, क्या होता है ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाती है कि नहीं, या ममता बनर्जी को भी इसी जद में जेल की हवा कर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।